आपको बता दूं कि ये सारे पोस्ट और साइबर स्पेस सोशल मीडिया की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया गया था। इस दल के द्वारा बिहार शरीफ जाकर घटना स्थल पर स्थलीय जांच भी की गई। वहाँ स्थिति शांतिपूर्ण है और सभी बाजार और दैनिक कार्यक्रम, वहाँ पर जो भी दैनिक जीवन है वो सामान्य हो गया है। कुल 15 प्राथमिकियाँ वहाँ दर्ज की गई थी जिसमें 271 नामजद अभियुक्त थे। रामनवमी के दिन नालंदा में हिंसक झड़प हुई थी। आपको बता दें कि इसमें टोटल 140 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि आज ADG ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा किया है। आपको बता दें कि इसमें आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा 15 केस दर्ज किया गया है जिसमें टोटल 140 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अभी वहां पर जो माहौल है तनाव मुक्त माहौल है और जो भी दुकानें बंद थी अब खोल दिया गया है। अब सुचारू ढंग से अर्थव्यवस्था भी वहां पर की नालंदा की ठीक हो गई है। वहीं पर आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा अभी छापेमारी जारी है और इसमें आपको बता दें, अहम जानकारी दे दें कि इसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। व्हाट्सएप ग्रुप बनाने में उसमें काफ़ी लोगों की अहम भूमिका थी, उसमें से ग्रुप एडमिन थे उन्हें पकड़ लिया गया है और उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। और यहीं पर ADG क्या कुछ कह रहे हैं जरा देखो। अवगत कराना है कि नालंदा जिला अंतर्गत बिहार शरीफ में रामनवमी के पर्व में हुई विधि व्यवस्था की समस्या की जाँच के क्रम में सोशल मीडिया एवं साइबर स्पेस के उन्मादी और सौहार्द को प्रभावित करने वाले पोस्ट की जांच UU द्वारा की गई। आपको जानकारी है कि आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना राज्य में साइबर अपराधों पर प्रभावी रोकथाम लगाने हेतु बिहार पुलिस की नोडल एजेंसी है और विशिष्ट इकाई है। इन घटनाओं की जांच के क्रम में ये तथ्य स्पष्ट रूप से सामने आए हैं, एविडेंस आया है कि साइबर स्पेस पर उन्माद और धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले संदेशों एवं अन्य सांप्रदायिक उत्तेजना फैलाने वाले आपत्तिजनक संदेश और पोस्ट की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ऐसा पता चला है कि इन पोस्ट के माध्यम से पहले लोगों को मोबिलाइज किया गया, भड़काया गया और उसके बाद में वहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा हुई। सबसे पहले मैं वहाँ पर जो हिंसा हुई थी उसकी अपडेट देना चाहता हूँ। वर्तमान में वहाँ स्थिति शांतिपूर्ण है और सभी बाजार और दैनिक कार्यक्रम, वहाँ पर जो भी दैनिक जीवन है वो सामान्य हो गया है। कुल 15 प्राथमिकियाँ वहाँ दर्ज की गई थी जिसमें 271 नामजद अभियुक्त थे। उसमें से 140 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उन 140 अभियुक्तों में 100 नामजद अभियुक्त हैं और 40 जो है वो गैर नामजद अभियुक्त वहाँ पर हैं। उस फिजिकल हिंसा की जो 15 FIR है उसमें जिला पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी ओर जो आपत्तिजनक पोस्ट, संदेश, वीडियो इत्यादि प्रसारित करके जो हिंसा फैलाने का षड्यंत्र प्रकाश में आया है उसकी आर्थिक अपराध इकाई में एक नई FIR दर्ज की है। मैं आपको बता दूं कि ये सारे पोस्ट और साइबर स्पेस सोशल मीडिया की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया गया था। इस दल के द्वारा बिहार शरीफ जाकर घटना स्थल पर स्थलीय जांच भी की गई, साथ ही साथ विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और साइबर स्पेस में प्रसारित किए जा रहे संवादों और संदेशों का गहन विश्लेषण भी किया। जाहिर सी बात है कि ADG ने बताया है कि अभी काफ़ी छापेमारियाँ अभी भी चल रही हैं और यह छापेमारियों में उन्होंने बताया कि यह शोध का विषय है कि किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो खुल करके ADG ने नहीं बताया है, लेकिन उन्होंने बताया है कि इसी व्हाट्सएप ग्रुप के चलते वहां पर हिंसक झड़प हुई थी। तमाम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें DHD न्यूज़। आशीर्वाद इजी कॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।